नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सरदार पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्र आज कर रहा है उन्हें याद। पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने से सरदार पटेल का राष्ट्रीय एकीकरण का सपना हुआ साकार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों ने लिया हिस्सा। राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने कहा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश बने। जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर और आर के माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल पद के लिए शपथ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों राज्यों में संसद से पास होने वाले कानून सीधे तौर पर होंगे लागू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और असम, कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर के पुलिस बल ने हिस्सा लिया। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया, जिसमें हवाई अड्डों पर आतंकी हमले से निपटने के लिए की जाने वाली नवीनतम तकनीकों को दर्शाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने आतंकवादियों से निपटने और बम निष्क्रिय करने में इस्तेमाल होने वाली नवीनतम तकनीकों और प्रक्रियाओं को दर्शाया। सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस के महिला अधिकारियों ने मोटरसाइकिल पर अनूठे करतब दिखाए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया। उन्होंने विविधता में एकता की चर्चा करते हुए संकट की स्थिति में लोगों में भाईचारे की भावना की जरूरत बताई। देश के अलग अलग शहरों में, गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में देश के नागरिकों ने, अबाल वृद्ध सबने, स्त्री पुरुष हर किसी ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। यहां भी आज राष्ट्रीय एकता परेड का भी आयोजन किया गया है। इन भव्य आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए मैं हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। भारत की विशेषता है भारत की विविधता में एकता। हम विविधताओं से भरे हुए हैं। विविधता में एकता हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारी गरिमा है, हमारी पहचान है। हमारे यहां विविधता को, डायवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमें विविधता में कभी भी सदियों से विविधता में विरोधाभास कभी नहीं दिखता, लेकिन हमें विविधता के अंतर्निहित एकता का सामर्थ्य दिखता है। जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां तीन दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब
आपका जो सपना। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने उपस्थित लोगों को एकता की शपथ दिलाई। एकता दौड़ में खिलाड़ियों और केंद्रीय पुलिस बल के कर्मियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्री शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की एकता के लिए हमेशा काम किया और 560 से ज्यादा देशीय रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए अथक परिश्रम किया। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सुरक्षा बलों और कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता मार्च में राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, राजभवन सचिवालय के कर्मियों, आईटीबीपी और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आजादी के बाद विभिन्न रियासतों को भारत में मिलाकर राष्ट्रीय एकीकरण में पटेल जी ने उल्लेखनीय योगदान दिया। श्री मिश्रा ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों से सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता के भावना को मजबूती प्रदान करने की अपील की। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, अंग्रेजों ने वहां विलायत में पास किया, तो वो जब एक्ट पास हुआ तो उसमें यह हुआ कि आज के बाद 1947 14 अगस्त को रात में और 15 अगस्त की रात के, माने कि जब 15 अगस्त हो गया उस दिन अंग्रेज सब राजा लोगों को इंडिपेंडेंट कर देगा, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था ना अंग्रेजों के साथ। तो हुआ क्या कि 15 अगस्त को सुबह कानून पर पेपर पर अंग्रेजों के एक्ट के मुताबिक 565 लोग सब अलग अलग है, सिर्फ जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड स्टेट था अंग्रेजों के नीचे वो सिर्फ इंडिया को मिला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, बाकी सब लोग अलग था। तो सरदार पटेल ने उस दिन के पहले सबसे बात करना शुरू किया। सरदार पटेल उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, वो उप प्रधानमंत्री हुए और होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सबसे बात करना शुरू किया कि देखो अब अंग्रेज चला गया है, अब हमको एक साथ होके और इकट्ठा होके भारत देश को बनाना है। उसमें कुछ लोगों ने सुना, काफ़ी लोगों ने सुना कि हाँ भाई ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं सुना, जैसे कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कुछ दिन तक जोधपुर भी नहीं आ रहा था पास। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय एकता में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की जयंती पर विद्यालय के छात्रों ने परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। What we learn from his lifestyle is even being simple and down to earth, we should contribute towards our country. Because at that time, at a time of turmoil when nothing was certain, he came up, he stood forth and he led people, which eventually led to what we know as India. If not for his contributions, I don't even think we would have a country this good, which is practicing so many different cultures and we're still one country. That's what makes him so special and that's what inspires us all about him. Har ek time ek sa nahi hota, to hamesha insaan toot sakta hai, to judne ki koshish hoti hai aur Vallabh Bhai Patel ne sikhaya ki joda kaise jata hai aur sath sath unhone sikhaya ki har ek kafi acche kootnitijj the wo, तो उन्होंने राजनीति और कूटनीति का समागम दिखाया और साथ में दिखाया कि हमें किस तरह से अपने जीवन की जो प्रॉब्लम्स जो हम लाइफ में फेस करते हैं उन्हें अप्रोच करना चाहिए।
राजधानी ईटानगर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित एकता दौड़ आयोजित की गई। ईटानगर पापुमपारे जिले के दोईमुख, अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो, ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन और पासीघाट में आयोजित रन फॉर यूनिटी में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। देखते हैं राज्य भर में आयोजित एकता दौड़ की एक झलक। In the spirit of unification of my contribution, to secure internal security of my country, which was made possible. लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर आज ऐतिहासिक घटना के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए हैं। आज सुबह लेह में आर के माथुर ने नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने शपथ दिलाई। गुजरात कैदर के आईएएस अफसर रहे गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने एलजी पद की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। अब दोनों राज्यों में संसद से पास होने वाले कानून सीधे तौर पर लागू होंगे। हालांकि दोनों राज्यों में काफी अंतर रहेगा। एक तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देश विकास में उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली के शक्ति स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के दोजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आज
टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हुआ। राज्य के कौशल विकास और उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री तुमके बागरा ने कहा कि बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने विभाग द्वारा युवाओं को देश भर में उपलब्ध रोजगारों के अवसरों की जानकारी देने और इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विभाग से युवाओं की सुविधा के लिए राजधानी ईटानगर में एनएसडीसी कार्यालय स्थापित करने को कहा। राजधानी क्षेत्र पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाया गया। इसके तहत एसडीपीओ के सीकोम के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने वाहनों पर स्टिकर लगाकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।